हमने गुलामी सही, हमारे बाप ने गुलामी सही, बाबा ने गुलामी सही, हम जिसको मानते हैं उनने गुलामी सही, और हम एक दिन केवल इनका फोटो ऑटो अगरबत्ती लगा करके फॉर्मलिटी पूरी करते हैं और 5 साल उन पाखंडियों के यहाँ रात दिन अगरबत्ती लगाते हैं। ऐसे ऐसे अगरबत्ती लगाना ही बंद कर दो। बाबा साहब को मानने वाले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग हैं। केवल मूर्ति पूजा, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्तियों पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं किताबों में रहता हूं। आप लोगों को किताबें पढ़ना चाहिए। और आप लोग अगर मूर्ति को कहते हो तो कुम्हार हूं मैं, कुम्हार 36 करोड़ देवी देवताओं के हम पार्टी प्रजापति आप है। हमने ही देवी देवताओं की मूर्ति बनाई है। हम शिल्पकार है, हम शिल्पकार हैं। और ये बहुजन समाज उन्हें मूर्तियों के लिए मंदिर बनाता है और प्राण कौन डालता है? अरे प्राण डालना है तो आरडी प्रजापति ने अगर बनाया तो हम तो पहले डाल सकते हैं, हम तो पहले डाल सकते हैं। अगर ये डालना है तो अपने बाप के प्राण डाल दो, जब मर जाता है। मैं तो भगवान की बनाई चीज को आप प्राण डालिए, जैसे मैं मांस है, हाड़ है, सब चीज है, और हम तो हथौड़ा से ठोक के करते हैं। चिरंगा लगा दिया, ये लगा दिया, रंगरोल तैयार कर। कई लोग कह रहे थे भैया पूजा नहीं करते आरडी प्रजापति। मैंने कहा पूजा करता हूँ अपने बाप की, ये जिंदा जिसको भगवान ने बनाया है उसकी पूजा करता हूं, जिसको शैतान ने बनाया है उसको वो मुझे क्या देगा? अरे जो मैं स्वयं उसका बाप हूं उससे कहूं मुझे दे दे, क्या दे देगा भाई? अगर पुजारी पंडित वही देता होता तो पुजारी पहले मांग लेता। पुजारी आपसे मांगता है कि नगद दो। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आपने कभी देखा भगवान की जो पूजा करते हैं पुजारी जी? मैं देखता हूं वो एक हाथ में घंटी लिए रहता है और एक हाथ में थाली और थाली में लड्डू पेड़ा लिए रहता है। तो जब हमारी माँ बहनें कभी नाराज हुई होंगी या आप लोग, जब गुस्सा से वो क्या कह देती हैं, जिसको कुछ नहीं देना होता है वो कह देती है ये ले लेना, हो जाती है ना। तो ऐसे पंडित जी पहले चारों तरफ घूमते हैं, क्या कहते हैं कि आप ये खा लो मैं ये खाऊंगा। वो कहता है ये खा लो तुम, घंट खा लो तुम, मैं ये खाऊंगा, वो तुम खा लो। चारों तरफ से घूमता है, भगवान को भी कहता है, आपको भी कहता है, और आप ताली बजाते हो बहुत अच्छा है, प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ। और वो कहता है ये खा ले, और मैं तो यही माल खाऊंगा, अब तब के प्रणाम करता हूँ, आपके प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैं नमन करता हूँ। बताइए ये खाने के लिए नमन करते हो, अब आप ये खाने के लिए नमन करते हो, बड़ा तकलीफदायक है। ये बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, और मैं पूरे लोगों के लिए अपनी जान लगाकर बैठा हूं। जब तक मैं जीवित रहूंगा, ये बहुजन समाज में पैदा हुआ हूं, बहुजन के लिए मर जाऊंगा। मैं मंडी प्रजापति जिंदाबाद, आरडी प्रजापति जिंदाबाद। अब हम पढ़े लिखे हैं तो बाबा साहब कहने लड़ते रहे। इन्होंने 4-4 बच्चे अपनी पत्नी को मरा हुआ देखा है, आपके लिए मरे। और बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर 10 इंजीनियर 10 वकील हो जाएगा उस दिन समाज का कायाकल्प हो जाएगा। आज 10 लाख डॉक्टर 10 लाख इंजीनियर 10 लाख वकील है, लेकिन समाज वही का वही है। क्यों? आपने केकड़ा देखा? केकड़ा हम लोग केकड़ा है, केकड़ा 1000 केकड़े को एक टोकरी में रख करके तालाब में डाल दो, क्योंकि तालाब उसका स्थान है, तालाब में चले जाना चाहिए। जब आप तालाब से वो टोकरी में केकड़ा निकालोगे तो 1000 में 1000 अब आ जाएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। क्यों? वो एक दूसरे के टांग खींचे, बेटा वहां कहां जा रहे हैं, यहीं यही आ जाए। ऐसे हमारे समाज के लोग एक दूसरे के टांग खींचते हैं कि ये नहीं बढ़ जाना चाहिए। आपको बता रहा हूं, मंडी अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, हम लोग निर्दलीय बने,
जिला पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय बने, विधायक बने, सांसद चार चार लड़े, अब वोट कुछ है ही नहीं है, लेकिन बहुजन समाज को तैयार किया है। इसलिए एक चीज और बताने के बाद मैं बात समाप्त करूंगा। हमारे लोग जब अभी चुनाव आएगा ना, तो हमारे बुंदेली भाषा में बताऊंगा, हम बुंदेलखंड के आते हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं, महाराज हमें आप वोट तो हमें आप ही को देने, लेकिन हमें लाल की पीने, हमें मुर्गा खाने, हमें बुकरा खाने, फिर 5 साल जूता किसको खाने, आईडी ठेका लिखाए रखा है का। मैं तो सीधे कहता हूं जूता इसको मह पर घुसड़ दे, जैसे इसने दारू पीते वैसे जूता घुसड़ दो। जिस दिन हम दारू मुर्गा बैठना बंद, मैं बिकना खुद बंद हो जाएंगे, जिस दिन हम खाएंगे नहीं, जिस दिन हम दारू मुर्गा नहीं खाएंगे, उस दिन हम 5 साल जूता नहीं खाएंगे, हमारे अन्याय करने वाले को जूता मारेंगे, जूता मारेंगे, दिल खोल के मारेंगे। आज उन बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, हम वहां गए थे, हमारी बेटी है, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये केवल बाबाओं को लेके अब घूम रहे हैं, मेरे यहां एक अंधरा बाबा अंधरा है, चित्रकोट से लगा हुआ है, जिस कांसी राम को हमने अन्यायी माना, जिसने पूरे विश्व को दिल जीता, जिसे मुलायम सिंह को धरती पुत्र कहा गया, जब उन्होंने दोनों ने ठाना था और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो ये अंधरा क्या बोला, राम भद्राचार्य अंधरा, ये ऊपर से तो इसकी आंख खराब है लेकिन अंदर से भी ये काला है, इसको अंदर से भी नहीं दिखा, इसने कहा मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अरे तुझे नहीं मरना क्या, इन अंधे लंगड़े लूले इनसे बच के रहना है, दोगला है दोगला, जिस दिन आप इनको खाना देना बंद कर दोगे ये भूखे मर जाएंगे, पंडाल हमारे और आपके बदौलत इनके लगते हैं, हमारे और आपके बदौलत पंडाल लगते हैं, और आप लोग 24 घंटा बोलो अपने समाज के लिए रात को दिन के, मैं बता देना चाहता हूं मैं 6 घंटा सोता हूं, बाकी वो इसी के लिए अपनी जान लगाए बैठा हूं। हम यहां रिजर्व में आते हैं, रिजर्व में आते हैं, और रिजर्व को तो सब चीज मिलता है, प्रजापति आठ डिस्ट्रिक्ट में, 12 डिस्ट्रिक्ट में, ऑल इंडिया में, केवल मध्य प्रदेश में आता है, हम विधायक भी सांसद सब चीज बन गए, मंडी अध्यक्ष भी क्लास वन अधिकारी रहा, लेकिन हम किसके लिए मर रहे हैं, ये जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लिए मर रहे हैं। हमारे यहां एक कहावत होती है कि कोरी ब्याह करे और कुंवर हाथ जोड़ फिरे, भैया बरात आना है, ब्याह कुंवर कोरी का हो रहा है, हाँ हम कोरी बने हैं, भैया बरात आना तेली कुम्हार, अरे पिछड़े वर्ग के लोग आप आ जाइए, आप आ जाइए, उनके लिए मर रहे। तो दो चीजों से अब सावधान आपको रहना है, ये चिल्लाओ नहीं कि हमारे समाज का है, हमारे समाज को आपको ध्यान देना है, कौन हमारे समाज का कौन नहीं है। आज 87 सांसद SC के, 47 सांसद ST के, और 1058 विधायक केवल SC ST के हैं। एक शब्द बोलते हैं क्या? इसलिए दो प्रकार के होते हैं, ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ योग्यता होती है, ये पार्टियां योग्यता, मनुवादी पार्टियां योग्यता बताती है, जो सबसे ज्यादा जूता खाने वाला हो उसको सबसे पहले टिकट, जो सबसे ज्यादा मां बहन की इज्जत लुटवाने वाला हो, जो सबसे ज्यादा तलवे चाटने वाला हो, जो सबसे ज्यादा अपने समाज का शिकार कराने वाला हो, ये बुरा ना देखो बुरा ना सुनो और बुरा ना कहो, ये तीन जो बंदर हैं ये हमारे लिए बने हैं, उनके लिए नहीं बने हैं। बहन बेटियों की इज्जत लौटने दो देखो नहीं, जूते पड़े हैं पढ़ने दो चिल्लाओ नहीं, कोई गाली देता है सुनो नहीं। इसलिए
ये जो लकड़ी होती है आपने देखा हुआ बेंट, कुल्हाड़ी के अंदर एक मुर्दा लकड़ी लगी रहती है जिसको मुर्दा बेंट कहते हैं। बेंट वो हरे भरे पौधों को काटता है, टेढ़ी मेढ़े पौधों को नहीं, आरडी प्रजापति जैसे को नहीं। और एक होता है तीतल, आप लोग तीतल पालते नहीं देखा होगा, हम बता देना चाहते हैं। तीतल होता है वो पाला रहता है हमारे जो पिछड़े एस सी एस टी ओबीसी के तीतल है, जो हमारे समाज के तीतल है वो तीतल पालते हैं और उनके रंग लगा देते हैं और फिर जाल बिछा के जाते हैं, पूरा जाल बिछा देते हैं और अपने तीतल को पिंजरे से छोड़ता है। चमचा को कुर्मी काची दिया चमार कुमार में तरभंगी, ये नाई तेरी तमोरी के, ये चमचों को भेजता है वो तीतल को। और एक बार कहता है बेटा, तो तीतल बोलता है कड़ी को कड़ी को, जंगल के पूरे तीतल आ जाते हैं, फंस जाते हैं और अपने रंगे तीतल को निकाल के बाकी सबका हत्या कर देते हैं। ऐसे हमारे चमचा नेता आपके बीच में जाते हैं, तैमूर फूफा महनोई मामा फूफा, और आप लोगों का वोट उनको दिला देते हैं और उसको जूठन खाने का मिलता है। आपको हमारी माँ बहनों की हत्या कर दी जाती है, हमारी बहन बेटियों की हत्या कर दी जाती है। इन तीतल और लकड़ी के उससे भी बचना है, इसलिए बहनों आप बहुत अच्छी तरह से हैं, आप बगल में चार पी लेते हैं, हमारे यहाँ तो खोले आम बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं और माँ बाप देखते रहते हैं, उसका विरोध हम करते हैं, मरते दम तक करते रहेंगे। मेरे शरीर में एक बूंद जब तक खून है, मैं कांसी राम का न्यायी हूं, बाबा साहब का सिपाही हूं, मर सकता हूं, लेकिन हम अपने समाज की इज्जत आबरू नहीं जाने देंगे। आप क्या देख लो ना, बांदा से लगा इलाका है आरडी प्रजापति का बुंदेलखंड, जहां आज भी बोली के साथ गोली चलती है, उसके बदले मैं बता रहा हूं, गोली के साथ गोली चलती है। आप लोगों यहां तो कुछ नहीं चलता, आपको बगल में चाय पिला दिया, आप सोचते हैं अरे अब तो क्या है, हमारे साकर कोर्ट में चलती है, अब तो पृथ्वीराज चौहान में ही हो गया, मुझे तो बगल में चाय पिला दिया, बगल में थोड़ी जूठन खवा दिया, पृथ्वीराज चौहान बन जाते हो। अरे उनके लिए मेरे जो हमारे महात्मा ज्योति बाबा फूले ने, जब बाबा ज्योति बाबा फूले का अपमान हुआ, ये शादी में गए थे अपने दोस्त के समान समाज के, और इनको प्रताड़ित किया, तिरस्कार किया, तो ये मरने के लिए जा रहे थे। जब मरने के लिए नदी के पास पहुंच गए तो उन्होंने कहा, जो हंडी ऊपर रखे थे और झाड़ू नीचे लगाए थे, अरे उन्हें कहा कहां जा रहे हो, उन्हें कहा मेरे ऊपर अपमान हुआ, मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं स्वाभिमानी हूं। तब महात्मा ज्योतिबा फुले को कहा था कि अगर मरना है तो हमारे लिए मरो, उनके लिए नहीं मरो। वहीं से लौटकर महात्मा ज्योतिबा फुले अपने घर आए थे और अपनी औरत को और अपना स्वयं बहन बेटियों को पढ़ाने का काम किया था। ये हमारे राष्ट्रपिता है, सावित्री बाई हमारी राष्ट्रमाता है, जिन्होंने देश और विश्व में नाम किया बाबा साहब। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप लोग उनके लिए लड़िए, दिल्ली वालों देहात वालों के लिए लड़िए, जहां आज भी बहन बेटियों को पकड़ के ले जाते हैं और दिल्ली में स्वयं ले जाते हैं। अभी हमारी बेटी को देखो, हरियाणा जैसी जगह में जिन्होंने हमें मान सम्मान दिलाया, जिन्होंने पदक दिलाया, और भारतीय जनता पार्टी का सांसद उनका यौन शोषण कर रहा, और यहाँ के लोग जाते नहीं है। मैं दिल्ली प्रदेश के लोगों से निवेदन करूंगा और विशेषकर ओबीसी महासभा से कि एक दिन इनका घेराव करो, हमने कह आए हैं कि भारत के पूरे जिले में हम एक दिन ज्ञापन देंगे इनके विरोध में कि इनको पकड़ा जाए, फांसी की सजा दी जाए। अगर नहीं मानी गए, नहीं माना गया, तो पूरे भारत में एससी एसटी ओबीसी 90 मान्य माइनॉरिटी 90% लोग पूरा भारत बंद करेंगे, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के होगी। इसलिए ज्यादा न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजक मंडली को, मैं उनके नाम नहीं पढ़ पाया, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मुझे आपने बुलाया, या तो आप नसबंदी करवा लो,
उन्हीं के लड़के बच्चे खिलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बच्चा पैदा करो तो जूता खाने के लिए नहीं, बहन बेटियों को पैदा करते हो तो इज्जत लुटवाने के नहीं। और नहीं तो कहूंगा ऐसे महापुरुषों का, ऐसे पुरखों को, जिस तरह से आप लोग मान सम्मान फूल चढ़ाते हो उसकी तरफ पेशाब करना, वो आपके आपको लड़का और बाप कहने लायक नहीं है। इन गुलामों को आप कभी बर्दाश्त नहीं करना। इसलिए मैं तो खुल्लम कहूंगा, बाबा साहब ने कहा था कि जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। इसलिए बाबा साहब के न्यायी हो तो बहन बेटियों के लिए जियो, चाहे चार दिन जियो। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।